So welcome guys to my another video that is related to one of the most recent consoles which have come into the market that is your Nintendo Switch. Nintendo आपने काफी बार नाम सुना होगा कि Nintendo क्या है. Nintendo आप basically Mario से उसको associate करके देख सकते हो कि ये जो Mario game था जो आप बचपन में खेलते थे NES platform पे ये Nintendo का ही product था. Nintendo मैं आज के डेट में कहूंगा कि PlayStation और Xbox से थोड़ा पीछे चल रहा है, बट ये जो गेमिंग कंसोल जो ये लेकर के आया है दैट इज योर Nintendo Switch, Nintendo के मार्केट को बहुत ही ज्यादा उसने ऊपर बढ़ा दिया है. ठीक है, तो मैं आज यही बात करने वाला हूं आपको कि आज के डेट में आपको Nintendo लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. Nintendo Switch उसका कौन सा वेरियंट अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, उसकी क्या प्राइस है, क्या इसके साथ जो आपको गेम्स हैं वो खेल लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन के बारे में प्ले स्टेशन पे गेम खेलना चाहिए. ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं कि ये Nintendo Switch है क्या. आपने एक प्ले स्टेशन के ऊपर एक पोर्टेबल वर्जन आता था PSP का. ठीक है, तो ये भी कुछ उसी तरीके का है, जो गेम है बेसिकली आप जो है पोर्टेबल वर्जन पे खेल सकते हो. बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो रिमोट्स हैं आते हैं और ये रिमोट को भी अलग वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं कि आप इसको ऐसा कंट्रोलर यूज कर सकते हो या आप इसको इसके साथ ही लगा करके यूज कर सकते हो. तो बेसिकली जो गेम जो है आपका एक पोर्टेबल मोड में आ जाता है, बेसिकली समथिंग लाइक योर मोबाइल, लेकिन उसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपके अलग हो गए और आपको एक बड़ा सा 10 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा जो इसके साथ अवेलेबल है. तो मेरा ये कहना है कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. बेसिकली जो इसका बैटरी लाइफ है करीबन 6-7 घंटे का है बैटरी लाइफ, और इसके दो वर्जन आते हैं, एक स्विच और एक स्विच लाइट. और इंडियन मार्केट में जब आप जाओगे तो स्विच का जो प्राइस है करीबन आपको 35,000 से 40,000 रुपए में स्विच आता है आपको, और उसका लाइट वर्जन आपको करीबन 23,000 से 24,000 तक रुपए तक आएगा. और इसको आप HDMI केबल के थ्रू अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. इसके साथ एक डॉक आता है, कुछ इस तरीके का ये डॉक रहता है, यहाँ पे आप देख पाओगे. तो इसके अंदर ये जो इसका जो स्क्रीन है वो सेट हो जाता है जिससे वो चार्ज भी होते रहता है, और HDMI केबल के थ्रू आप इसके टीवी में कनेक्ट करके इसके कंट्रोलर को बाहर निकाल लो और आप एक्सबॉक्स की तरह और प्ले स्टेशन की तरह इस पर आप गेम खेल सकते हो. लेकिन क्या आपको ये गेमिंग कंसोल जो है इंडियन मार्केट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं. अगर आप इसको ऐसा पोर्टेबल प्लेयर यूज करना चाहते हो या गेम खेलने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या आप गेम फ्रीक हो और प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जो है आप कहीं पर लेके तो घूम नहीं सकते हो, बिकॉज दीज आर होम बेस्ड कंसोल्स जो आप अगर घर पे खेल रहे हो तो इट्स गुड, लेकिन आपको गेम खेलना ही है तो एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन तो लेके घूम नहीं सकते हो. अगर आप इतना गेम फ्रीक हो तो ये ले लो. इस पे आपको जो मूवी जो अच्छे नए गेम्स है जो भी पॉपुलर गेम्स है स्विच के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा. और इसका जो परचेज होगा आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट जैसा आता था, आपने कभी देखा होगा तो पुराना मेमोरी कार्ड आता था. इसके गेम्स भी जो है Nintendo स्विच के जो है वो अलग से आते हैं, एक मेमोरी कार्ड का आता है, और वो मेमोरी कार्ड आपको जैसे मोबाइल में पहले जब नोकिया 6600 आता था उसके अंदर एक बड़ा सा मेमोरी कार्ड लगता था, ये गेम भी कुछ उसी तरीके से उस स्लॉट के अंदर जाएंगे और आप ये गेम खेल सकते हो. और इसके जो गेम्स हैं मैंने देखा है करके कि ये एक बहुत ही लिमिटेड वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा महंगे गेम्स अवेलेबल हैं. कहीं आपको जो गेम एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पे 2,500-3,000 रुपये का मिलेगा, आप जब इसके प्लेटफॉर्म पे जाओगे Nintendo स्विच के प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वही गेम आपको कहीं 5,000 या 6,000 या 4,000 या 4,500 का जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा है. आई मीन बाय दैट गेम. अगर Nintendo स्विच अगर 40,000 का आप ले रहे हो और आप उस पर गेम ही नहीं खेल पा रहे हो, ठीक है, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस. दूसरी चीज़ क्या है, इसके पोर्टेबिलिटी के बारे में लोगों ने बात किया है, इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा कंपनी ने स्ट्रेस नहीं किया है. मैं मानता हूँ कि इसका जो कंट्रोलर है अल्ट्रा सेंसिटिव है, बहुत सारे पोर्टेबल है, आप इसमें बहुत सारे काइनेटिक गेम्स खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं जहाँ तक इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, मैं सर्च भी कर रहा था, मुझे ज़्यादा इसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में चीज़ें नहीं समझ में आई, और मुझे नहीं लगता है कि ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो है कोई ये कोई मतलब है. और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप खेल रहे हो या
ट्रैवल कर रहे हो, अगर ये आपके हाथों से गिर जाए तो कंपनी ने डेफिनेटली इसको वियर एंड टियर प्रूफ बनाया है, बट लेकिन देयर आर चांसेस कि आप 40,000 का कंसोल लेकर के घूम रहे हो तो यू कैन ईजली लूज दिस कंसोल, ये भी एक चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़ क्या, इसका हार्डवेयर जो है उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगा, और इसका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 1080 का है, 4K डिस्प्ले नहीं सपोर्ट करता है। अगर आप 5,000-5,500 का गेम खेल रहे हो, गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो कोई मतलब नहीं है 1080p पे खेलने का, पिक्सल रेट पे खेलने का कोई मतलब नहीं। अगर 4K गेमिंग आज के डेट में जो नेक्स्ट वर्जन गेमिंग कंसोल्स के आ रहे हैं दैट आर गोइंग फॉर 8K रेजोल्यूशन, व्हाई वी हैव टू गो स्पेंडिंग 40,000 rupees फॉर अ निंटेंडो स्विच। और दूसरी चीज क्या है कि आज के रेट में अगर आप प्लेस्टेशन पे जाओगे या एक्सबॉक्स पे जाओगे, आज के रेट में ये कंसोल्स जो हैं आपके करीबन जो है 35,000 से लेकर के 40,000 के रेंज में, 40,000 से भी नीचे आ गए हैं। तो आपको एक पावरफुल जो कंसोल मिल रहा है, सिर्फ पोर्टेबिलिटी के बेसिस पे निंटेंडो स्विच पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा कि निंटेंडो स्विच ठीक है पोर्टेबिलिटी वाइज, इट्स गुड, इसका वेरिएंट है बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऑनलाइन बेस्ड गेम्स अगर जाओगे तो आप कभी भी एक ऑनलाइन बेस्ड गेम कभी भी इस पर नहीं खेलोगे यार, जा करके आप पबजी की बात कर लो या कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर लो, ये जो ऑनलाइन गेम्स है इस पर आप कभी भी नहीं खेलोगे, एक फील नहीं आएगा। एक पर्सनल कोने में मारियो खेल लो, समझ में आता है। लेकिन अगर निंटेंडो स्विच ही लेना है तो मोबाइल क्यों नहीं, आज के डेट में एसिस का फोन, आई मीन गेमिंग रोग फोन 3 आ चुका है, लिनोवो का लीजन गेमिंग फोन आ चुका है। अगर आपको पैसा ही स्पेंड करना है, 30,000 है, 40,000 है, ठीक है, तो गेमिंग फोन्स ले लो जा करके, गेमिंग फोन्स पे जा करके खेलो गेम, वो आपको एक अच्छा स्पेसिफिकेशन भी देते हैं, उसका यूज़ भी होगा। अगर गेम नहीं भी खेल रहे हो तो मोबाइलिंग फ़ोन कर सकते हो, उसे वीडियो देख सकते हो, अच्छा रेजोल्यूशन सपोर्ट आएगा, अच्छा रैम वेरिएंट आएगा, आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप, मैं तो ये कहूँगा कि यार कभी भी अगर आपको पोर्टेबल गेमिंग करनी है तो मोबाइल जब है तुम्हारे पास तो क्यों निंटेंडो स्विच लेना है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पोर्टेबल गेमिंग करना चाहते हो तो गो विद एन मोबाइल बेस्ड गेमिंग, नेवर गो फॉर एन निंटेंडो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई और इसके कलर अट्रैक्टिवनेस और ये सब चीज़ों के कारण, ये सिर्फ तामझाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मोबाइल गेमिंग एनी टाइम इज मच मोर पावरफुल देन एन निंटेंडो स्विच। तो आई विल रिकमेंड यू हाईली टू गो विद एन मोबाइल गेमिंग रादर देन गोइंग फॉर एन निंटेंडो स्विच। सो इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching this video. Take care. Bye-bye.